महीने तो लैके साढ़े चार साल तक वो इस गड्डी दी सीट ते पली है। अच्छा, ये सीट दे ऊपर ही उन्हें अपना बचपन। उन्हें ऊपर खड़ाने खड़ाने टंगे होंदे सी, ये देखती रहना खेलती रहना। और शुरू तो मैनू यही हुंदा सी कि मैं कोई इदां दा काम करा कि कोई जड़ा के होर किसी लेडीज ने ना किया हो। सर मैं तो कनेडा अमेरिका इंग्लैंड दे मैरिज वाले ऑफर भी ठकराते। अच्छा। अपना नाम बनाने चक्कर। हथी किरत करन वालियां दी कदी भी हार नहीं हुंदी। करे बैठ के किस्मत नू जिन्ना मर्जी जोर लाई जाओ, कोसी जाओ, उदा जित हासिल नहीं हुंदी। जित उन्हां दी हुंदी है जिहड़े हथी किरत करके हथी काम करके अपने किस्मत दीआं लीकां नू आप वगाउंदे ने। साढ़े नाल अजिही ही कहानी अज मौजूद है, उदाहरण मौजूद है राजविंदर कौर, जिहड़े पिछले 10 सालों तो यह छोटा हाथी चला रहे ने, अपने हथी किरत कर रहे ने। इंडिया के वख-वख कोनियां दे विच जा के माल सप्लाई किया उन्होंने, तो हुण लॉकडाउन दे विच लोकल भी ये आटो चला रहे ने, क्योंकि हुण पैसे की भी शोर्ट आ, लॉकडाउन करके सब कुछ औखा होया। राजविंदर मैडम साढ़े नाल हैगे आ, गलबात करते हैं कि कदों तो ये आटो चला रहे ने अते कदों तो काम कर रहे। मैम बहुत वधिया लग्या मिल के तुहानू कि तुसी पिछले 10 सालों तो मैं लगता है कि ये किरत कर रहे हो, तो कदों तो ये तुसी काम कर रहे हो? मैंने सर 10 साल हो जाए। मैंने लगता है थोड़ा जहाँ पासे हो के गल कर लेने क्योंकि पिछों ट्रैफिक भी जाम ना हो जाए, तो मेनली तुहाडा काम की हुंदा जिवें इस वेले तो रूम भरिया तुसी, होर केड़ी केड़ी चीज़ां सप्लाई करते हो? जिम का समान सर, ज़्यादातर स्पोर्ट्स का ही हुंदा है, या कॉटन या फिर होर किसी वेले कोई मतलब एमरजेंसी कोई फर्नीचर का हो गया, इस तरह का काम सर। तो ये फिर किस तरीके नाल, मतलब क्योंकि एक औरत होने के नाते थोड़ी जी परेशानियां भी आउंदियां होणगियां क्योंकि समान भारा हुंदा लोड करना, फिर ये किवें सारा कुछ करते हो आप तुसी? सर इस तरह ही है, जे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होवे फिर तो आप हो जाता, नहीं तो मतलब अगले नूं पहले ही कह दीदा कि अपनी लेबर बुला लियो कि साडे को लोडिंग नहीं होनी। जदों पुछ लईदा हल्का माल है फिर तो चलो थोड़ा बहुत आप हाथ पवा दईदा नाल। जिस तरह हुण कॉटन आए तो 5-6 बंदे तो थले कोई लोड नहीं कर सकता, और 3 बंदे तो थले कोई रस्सी नहीं पा सकता इहनूं, इस करके ये काम तो इन्हों का लोडिंग का अगे उन्होंने उतार लेना। बाकी डाले के अंदर जिदा जिम का समान हो गया, जो हल्का फुल्का होंगे फिर थोड़ा बहुत नाल करवा दईदा है। आओ आप चलते चलते गल करते हैं अगले पासे भी चलते हैं, तो होर जो जिम का समान फिर होंगे होगा वो तो थोड़े को आप तो नहीं लोड होंगे होगा, मतलब वो लोग आप करते हो? आप ही करते हैं सर। अच्छा, आप ही करते? हाँ जी, किसी वेले हो जाता कि अगे जो खाली करना होंगे वा उदो जो असी लेट हो जाइए थोड़ी उन्होंने लेबर लूबर की चल जाती परेशानी आती है, फिर वो एक एक टन वजन भी खुद नू नाल होके कराना पैंदा। अच्छा, तुसी एक टन भी जे हाथ लाउणा पैंदा कई वारी? हां, जिद्दां डंबल प्लेटां हुंदे हैवी हैवी 10-15 किलो दे भी 20 किलो दा भी वो फिर करना पैंदा वा नाल होके, ना करांगे तो सानू सारी रात ही उत्थे लग जाणी। नाल कोई हेल्पर नहीं हुंदा तुहाडे? नहीं सर। अच्छा, कल्ले ही करदे हो सारा कुछ तुसी, मतलब मैनेज लोड भी करना ते उतरौणा भी जाके उत्थे? नहीं, उतरवा दीदा लोडिंग का तो काम, इस तरह जिस तरह कितने घर कोई समान कई बार रखा हो किसी का लिया के फिर लोडिंग का होंगे थोड़ा करवा दीदा। तो ज़्यादा कि रूट होंगे तो कि तुम दस रहे थे कि मैं इंडिया के वक् वक् कोनिया के गए हैं, सब तो व्डा टूर लंबा टूर कि हूँ तक किया? सर सब तो लंबा टूर मैं 2 टूर किए लंबे जेडे एंड कराती जिन्होंने मेरी, एक तो अपने जम्मू उधमपुर और एक दिल्ली प्लस मेरठ भी जानी है, ये तिने रूट 350-400 के रेंज पेंदे आ। अच्छा, इस करके फिर ये लंबे रूट किए जिथों के बंदा तीसरे दिन घर वापस आता। कल्ले गए तुसी उत्थे? हाँ जी। हुण मेनली तुसी केड़े केड़े रूट दे उपर ज्यादातर फोकस कर रहे हो जां जा रहे हो? फिलहाल तो चंडीगढ़ मोहाली लुधियाना जां बठिंडा पटियाला, वधिया वधिया रूट मतलब। चंगे चंगे जिहड़े रोड भी ठीक आ लॉकडाउन च मिल रहे आ। हाँ जी। अच्छा जी, चलो गड्डी तुसी पिछले 10 सालों से चला रहे हो, किसी वेले जे टायर पेंचर हो जाए जां गड्डी च क्योंकि मशीनरी हैगी कोई नुक्स पै जाए तां फिर किवें मैनेज करदे हो उत्थे कल्ले? फिर सर थोड़ी देर लई तां हैंग हो जाईदा 5-7 मिंट लई, और फिर उस तों बाद च फिर जद नूं जदों फिर थोड़ा हत्थ हुत्थ लाण लगीदा टायर नूं कोई ना कोई आई जांदा। अच्छा। या फिर जदों नहीं हुंदा फिर जिद्दां टायर पेंचर हुंदा है कि दा प्रॉब्लम कि गड्डी नीवी ज्यादा आ, एहदे थले लम्मे पै के जैक लगना, जो लम्मे पे हुई थले
ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੈਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ 10 ਸਾਲ ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 12-1 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਆ, ਖਾਈ ਲਈਦਾ 12-1, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਦਿਨ ਚ 1 ਵਾਰੀ ਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਵਾਰੀ ਖਾਈਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਚੱਲਦੀ, ਸੜਕ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 407 ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕਰ ਲਈਦਾ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰ, ਔਰ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੀ ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨੀ, ਨਾ ਇਹ ਚ ਪੱਖਾ, ਕੁਛ ਨੀ, ਪਲੱਸ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਖਿਡੌਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਡਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਆ ਉਹ? ਪੜਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ 5 ਸੀਗੀ ਸਰ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਪਾਸ? ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਡਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
फिर उन्होंने एकदम जिस तरह मेरे घरदिया ने ही गल कर ली कि मैं कोई टेंशन नहीं हैगी, मैं मेहनत कर दे वधिया, मैं इन्होंने मैरिज कराना चाहना क्योंकि मैं बाहर सैट नहीं हो सकिया ता ही मैं हुण आया और मेरे को इतने काम होर कोई तो चलो इन्हों के नाल ही मैं अपना आप एडजस्ट कर जिदा कर लो। फिर उन्होंने गड्डी मैं हौली हौली ट्रेंड करता अच्छा तुसी ट्रेंड कीता उन्होंने ट्रेंड हो गए क्योंकि गड्डी तो चला लेंदे सी पर वजन नाल ही घट चलाई सी। मैं लगता है वजन का तुसी भी किन्ना चक्या, तुसी कदी ट्रक नूं जां वड्डे गड्डी नूं नहीं हाथ पाया कदी? पाया सर, चला के सारिया छड्डिया हुई वा, पर यह है कि हुण अपनी हुण गुड़िया मेरी वड्डी होगी ना, हुण मैं अपनियां खरीदांगी। वैसे मैं हाथ सारिया ते खोलिया होया। अच्छा, हुण अपनी ट्रांसपोर्ट पाऊंगी तुसी? हां जी, ट्रांसपोर्ट पाऊंगी। ते फिर मेनली केड़े केड़े एरिया रखोगे, पंजाब च रखोगे जां पंजाब तों बाहर ही रखणे? ऑल इंडिया। हां, ऑल इंडिया। शुरू तो यही शौक रहा कि मैं इधर ही रवा और इधर ही अपना मतलब काम सेट करा क्योंकि मेरे पापा की सारी उम्र दुबई निकली, मेरे जन्म तो पहला दे वो बाहर ही रहे आ और मैं चाहनी हां कि मैं इथे इंडिया ही रवा। हां, जे किते फॉरेन जानी भी आ मैं तो घूमण फिरन जावा। वैसे नहीं सर, तुसी तां इंग्लैंड आसानी नाल जा सकदे सी क्योंकि तुहाडी हां जी, पर नहीं सर, मेरा मैं इथे अपना एक नाम बनाना चाहनी आ, एक मिसाल बनना। जिवें शुरू तां मेरे मुंडियां वाले काम सी, घर दियां मुंडियां वांगू पालिया और शुरू तां मैनूं इही हुंदा सी कि मैं कोई इदां दा काम करां कि कोई जिहड़ा कि होर किसी लेडीज ने ना कीता होवे। अपना नाम बना दे चक्कर कि मैं इस चीज अगे आना। उम्मीद करते हैं कि तुहाडा होर तुसी दो गड्डियां तां पाईयां 200 गड्डियां पाओ तुसी ते जल्दी अपना नाम जिहड़ा रोशन करो। बहुत वधिया लग्या, जिंदा दिल इंसान हो ते इह है लेडी सिंगम कह सकदे इहनां नूं क्योंकि रात दिने टाइम नहीं हुंदा कोई ड्राइवरां दा, पर इह बड़े वधिया तरीके नाल गड्डी पिछले 10 सालां तों चला रहे ने अते नाम बना रहे ने क्योंकि घरे बैठ के किस्मत नूं दोष देने उह कोई चंगी गल नहीं हुंदी, पर जो असी किस्मत अपने हथी लिखते हैं उ किस्मत चंगी होंगी है। तो मैम बड़े वधिया तरीके नाल अपनी किस्मत अपने हथी लिख रहे हैं, कहिंदे ने कि हथी किरत करके ही सब कुछ बन सकता। इंग्लैंड अमरीका तो यूरोप के वीजे नूं ठुकरा रहे ने, उन्हां दे रिश्ते ठुकराए, कहिंदे कि इत्थे ही ट्रांसपोर्ट पावांगे, नहीं तो आम तौर पर लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके वड्डियां वड्डियां ट्रांसपोर्टां पाउंदे ने, पर यह कहिंदे ने कि असी इंडिया दे विच रह के ही ट्रांसपोर्ट पावांगे तो अपना नाम बनावांगे। कैमरामैन मनीष के नाल मनदीप सिंह, डेली पोस्ट पंजाबी, जलंधर।